हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से राम राम सारा ने। तो मैं रश्मि मल्लिक यूपी शामली से आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल परिग्लोक में। तो जो आज की वीडियो है वो वीडियो अनु के ऊपर भी नहीं है और परवीन और ज्योति के ऊपर भी नहीं है। आज की वीडियो एक ऐसे बंदे के ऊपर है जो मैंने उसकी वीडियो दो तीन बार बना चुकी हूँ। ये एक लव मैरिज का आपको जितना जागता सबूत मिलता है कि लव मैरिज कितनी सक्सेसफुल होती है और कितनी नहीं होती है। जो लोग अपने माँ बाप को धोखा देकर छोड़कर भाग जाते हैं, उनके बाद में उनके साथ ये होता है, वो मैं आपको आज दिखाऊंगी। आज की जो वीडियो है वो है रोहन और आज की वीडियो है प्रिया और रोहन के ऊपर। प्रिया और रोहन के ऊपर मैं पहले भी मैंने वीडियो बना चुकी हूँ एक दो, तो आप मैंने बताया था कि उन दोनों की लड़ाई चल रही है और मुझे ऐसा लगता था कि वे लोग ना सिर्फ ऐसे ही ड्रामा कर रहे हैं व्यूज के लिए, क्योंकि उन लोगों में कुछ महीने पहले भी ऐसी लड़ाई हो गई थी और जो प्रिया थी वो घर छोड़कर चली गई थी। लेकिन कुछ टाइम के बाद जो उसने बोलता कि जो रोहन है वो किसी और लड़की के साथ उसका अफेयर चल रहा है और वो उससे शादी करना चाहता है, उसके चक्कर में उसने प्रिया को छोड़ दिया था। तो इन दोनों ने लव मैरिज की थी। जो प्रिया के घर वाले हैं वो प्रिया से उनका रिश्ता टूट चुका है, क्योंकि प्रिया ने जो था अपने घर वालों के अंगेज जाकर कोर्ट मैरिज की थी रोहन के साथ, जबकि प्रिया के घर वालों को रोहन पसंद नहीं था। तो उसने लव मैरिज की थी रोहन से। रोहन के साथ वो बहुत खुश थी, उनका एक यूट्यूब चैनल भी है प्रिया लव रोहन के नाम, रोहन शर्मा के नाम से। आप चाहे तो जाकर देख सकते हैं, प्रिया लव रोहन शर्मा के नाम से उनका यूट्यूब चैनल है। अब उनका एक छोटा बेटा भी है जो छोटा सा है, 3-4 महीने का है। तो इन लोगों की लव मैरिज हुई थी और आज उनकी लव मैरिज इस एंगल पे आकर रुक गई है कि रोहन ने किसी दूसरी लड़की के चक्कर में प्रिया को घर से बाहर निकाल दिया है एक छोटे से बच्चे के साथ, और प्रिया आज के टाइम में बस स्टैंड पे रहने के लिए मजबूर है अपने छोटे से बच्चे को लेकर। वो अपने मायके भी नहीं जा सकती, क्यों? क्योंकि उसने रोहन के लिए अपना मायका और अपने घर वाले छोड़ दिए थे और आज उसी रोहन ने प्रिया को घर से बाहर निकाल दिया है। तो यही है ना, आज वो घर की रही ना घाट की रही, क्योंकि उसने जिसके चक्कर में अपने माँ बाप को छोड़ा था आज उसने ही उसको बाहर निकाल दिया विद अपने बेटे के साथ। तो उसने अपने बच्चे के साथ अपनी वाइफ, अपने प्यार, अपनी प्रिया को निकाल दिया। तो क्या इतना ही प्यार था सिर्फ रोहन का प्रिया से? क्योंकि कहीं ना कहीं इन लोगों ने गलत किया था। प्रिया को पछतावा भी है कि उसने अपने माँ बाप के खिलाफ जाके शादी की थी। तो जो लोग माँ बाप के मुंह पे ऐसा तमाचा मारते हैं ना, जिसका तमाचा लगता तो नहीं है गाल पे, और लेकिन उसका जो दर्द होता है ना वो इतना होता है ना माँ बाप के लिए, इनको जिंदगी भर सहन करना पड़ता है। कहीं जाते हैं घर से बाहर तो कहीं आस पड़ोस में निकलते हैं तो इसकी लड़की भाग गई थी, इसकी लड़की तो किसी साथ और लड़के के साथ रहती है, वीडियो बनाती है, पता नहीं क्या क्या लोग बात ताने मार देते हैं माँ बाप को, कि माँ बाप की सुनने की भी लिमिट फिर जाती है कि माँ बाप इस दिन के लिए पैदा करते हैं अपने बच्चों को सिर्फ ये दिखाने के लिए कि 20 से 25 साल हम उन्हें पालेंगे, अच्छे से उनकी देख रेख करेंगे, उनका सब कुछ करेंगे, और फिर क्या होगा 20-25 साल के बाद वो हमारे मुंह पे तमाचा मार के जाएंगे कि फिर जो उनका बाप है ना वो कोर्ट बन जाता है, जज बन जाता है, क्योंकि जज ने उन्हें अनुमति दे दी कि मैंने तुम्हारी शादी कर दी और तुम साथ साथ रह सकते हो। ठीक है, तो जब फैसला लेने का मतलब बचपन से लेके एक मतलब 20-25 साल तक तो माँ बाप पालेगा, सारी इच्छाएं जो है वो माँ बाप पूरी करेगा बच्चे की। ठीक है, सूखे में बच्चे को सोएगी और गीले में माँ सोएगी, है ना, अपने फटे पुराने कपड़े पहनेंगे लेकिन माँ बाप के लिए अपने बच्चों के लिए अच्छे से अच्छे कपड़े लाएंगे। और जब एक ऐसा टाइम आता है जब माँ बाप को सुख मिल जाता है कि अब बच्चे, माँ बाप सोचता है कि बच्चे हमारे लिए अब हमें कुछ सुख मिलेगा बच्चे से अपने, अब जब टाइम आता है ना जब माँ बाप सोचते हैं कि बच्चे से हमें सुख मिलेगा, तब क्या होता है वो बच्चा मुंह पे तमाचा मार के भाग जाता है कि अब तू भाड़ में जा, हमें तेज जरूरत नहीं, हमें हमारा प्यार मिल गया। ठीक है, फिर उस प्यार के सब कुछ हो जाता है, सब कुछ। ठीक है, 2-4 दिन का जो प्यार होता है ना वो सब कुछ भुला देता है। फिर जो उनका फैसला लेने का जो उनका डिसीजन देता है ना, जो उनका बाप बनता है, जो उनके पेरेंट्स बनते हैं, फिर वो जज बन जाता है। जज उस टाइम कहाँ रहता है जिस टाइम माँ बाप जो है अपने बच्चों के लिए दिन रात मेहनत करके खुद
खुद भूखे रहते हैं और बच्चों का पेट भरते हैं, ठीक है। अपने फटे हुए जूते पहनते हैं, बच्चों के लिए नए जूते लेकर आते हैं, खुद फटे फटे पहनते हैं, बच्चों की सारी इच्छाएं पूरी करते हैं। जब वो जज नहीं आता पूछने के लिए एक बार भी कि तुम्हारे बाप ने तुम्हारे लिए इतना किया और तुम इतना गलत डिसीजन ले रहे हो, उस पर साइन कर देता है तुरंत, एग्रीमेंट हो जाता है कि ये तुम्हारा होगी अब से, ठीक है। तो इतना गलत कानून है ना हमारे देश का, इसकी कोई लिमिट नहीं है। फिलहाल जो लड़के लड़कियां फिलहाल इस चक्कर में है ना लव वव के, तो उन्हें मेरी बात बहुत बुरी लग रही होगी, लेकिन जब एक उम्र आएगी ना, तुम माँ बाप बनोगे, तुम्हारे बच्चे होंगे, तो उस टाइम तुम्हें मालूम चलेगा कि मेरी बात सही थी, झूठ नहीं थी। तो ये रोहन प्रिया के साथ हुआ। रोहन ने प्रिया को घर से बाहर निकाल दिया, ठीक है। वह एक बच्चे के साथ मजबूर है सड़क पर रहने के लिए, मुझे नहीं पता रियल है या फिर वो व्यूज के लिए कर रहे हैं, लेकिन जो भी हो रहा है ना, अगर वो एक मैसेज भी दे रहे हैं ना पब्लिक, क्या होता है वीडियो के जरिए हम एक मैसेज देते हैं कि जो हमारे लोग हमारी वीडियो देखते हैं, तो उससे एक मैसेज मिलता है लोगों को। अगर वो लोगों को ये मैसेज अगर वो व्यूज के लिए ये मैसेज दे रहे हैं ना कि हम कि लव मैरिज का रिजल्ट ये निकल के आता है, तो लव मैरिज कोई नहीं करेगा। लव मैरिज पे से ना लोगों का विश्वास उठ जाएगा, जो रिजल्ट रोहन और प्रिया का निकल के आ रहा है। रोहन ने दूसरी लड़की के चक्कर में प्रिया को घर से बाहर निकाल दिया, एक 2 से 3 महीने के बच्चे के साथ। वो बस स्टैंड पे रहने के लिए मजबूर है, क्योंकि माँ बाप के घर जा नहीं सकती, क्योंकि माँ बाप ने इससे उसने पहले से तोड़ लिया था, पति ने अब घर से बाहर निकाल दिया, सास ससुर से बोलचाल नहीं है, तो अब जाए तो जाए किसके पास। जब माँ बाप की लड़ाई हो जाती है ना, जब हाँ घर में हस्बैंड वाइफ लड़ाई हो जाती है, तो जो औरत होती है ना उसके पास एक ऑप्शन बचता है, अपने माँ बाप, जो कोई बुरा भला होता है ना तो माँ बाप के पास जाती है, ठीक है। लेकिन जब लव मैरिज कर लेते हैं ना घर वालों के खिलाफ होकर, तो फिर वो ऑप्शन भी खत्म हो जाता है, ठीक है। अगर अरेंज मैरिज में लड़ाई झगड़े होते हैं, तो जब दो बड़े आदमी होते हैं ना, वो उस चीज का फैसला कर लेते हैं, लड़ाई घर के घर में रह जाती है। लेकिन जब लव मैरिज करते हैं ना, तो प्रिया उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि वो कहाँ जाए, वो सिर्फ दर दर की ठोकरें खा रही है और कुछ नहीं। तो इस वीडियो को कंटिन्यू कल करूंगी, क्योंकि आज बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी। आप चाहे तो इनकी वीडियो देख सकते हैं, प्रिया एंड रोहन, प्रिया लव रोहन शर्मा के नाम से इनका एक यूट्यूब चैनल है, आप चाहे तो वहां पर जाकर देख सकते हैं। मुझे प्रिया रोहन पे इतना फर्क नहीं पड़ता जितना उस बच्चे को देखकर, छोटे से बच्चे को देखकर तरस आता है कि वो दर दर की ठोकरें खा रहा है। तो इस वीडियो करते हैं यहीं पर एंड, मिलते हैं आपको एक अच्छी से नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और मेरी बात से अगर सहमत है तो मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो करते हैं इस वीडियो को यहीं एंड, और मिलते हैं आपको एक अच्छी से नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।